तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग कैसे तैयार होके घर से पूरा अच्छे से वेकेशन के मूड में नायग्रा फॉल्स के लिए निकल गए थे और नायग्रा फॉल्स पहुंच गए थे अपने होटल रूम पे। और इस एपिसोड में देखेंगे आगे की कहानी। करके डैडी गए हैं चेक इन करने के लिए, देखते हैं कौन सा रूम मिलता है। आज पूरा बादल है, मौसम पूरा बादल है। सोचा था कि सनराइज़ देखेंगे कल, लेकिन देखते हैं। अभी 2 दिन है मेरे पास। शिखर, इट्स गोइंग अप, इट्स गोइंग इनसाइड गया। ओके, रूम नंबर 115। शिखर, लेट्स गो टू द रूम। Let's go to in the room. No. Oh, do you like it, Skyline Tower? Let's go over there. One. This is 110. She got this one. Come here. 111 and 115. This is the room. 114 and 115. इधर क्या है? इधर ऊपर जाने का रास्ता है। So this is our room. अच्छा दिख रहा है। मॉम, डैड, नो, मॉम, यस, लेट्स गो इनसाइड। यस, ओह, इट्स अ नाइस रूम। शिखर, यू लाइक इट? डू यू लाइक द रूम? सो फाइनली अपने होटल में पहुंच गए हैं, रूम के अंदर जा चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा अच्छा खासा है। सारे पेड़ जो है गंजे हो चुके हैं और ये सारी बिल्डिंग्स हैं। इसमें कई सारे कसिनोज भी हैं। ये कसिनो है जो पीछे है और ये स्काइलाइन टावर है। लेट्स गो। वेयर? व्हाट? स्काइलाइन टावर। स्काइलाइन टावर में इसको जाना है। ऊपर देख सकते हैं आप, हल्का हल्का बादल है, धुंध है, वो वहां से नजारा अलग ही आता होगा। व्यू होम, ये कैसीनो है, देखेंगे इसमें भी ट्राई करेंगे। और ये भी होटल है शायद। तो अब आ गए हैं रूम में, सामान सब ले आए हैं। शिखर भी बहुत खुश है और अपना लंच टाइम हो गया, तो लंच टाइम का इंतज़ाम मैंने ये किया। ये अपना कुकर ले आई हूँ, इसमें सब्ज़ी फ्राई करके लाई, वो बन रही है। और भी रात के लिए, कल के लिए सब्ज़ी, दाल मखनी, सब पनीर की सब्ज़ी, कड़ी सब रख दिए फ्रिज में, और राइस भी इसी में बन जाएगा। और ये पहली सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। ये गर्मा गर्म ये सब्ज़ी है, अब चावल बनेगा, इसके बाद राइस चढ़ाऊंगी। इट्स हॉट शिखर, डोंट टच। व्हाट? खाना मैंने खा लिया था अपना, इस कुकर में पूरा इंतज़ाम है, सब कुछ खाना वाना खा के। अब शाम हो गई है बाहर, तो चलते हैं थोड़ा, देखते हैं क्या क्या है बाहर। इधर उधर बस गेड़ी मार के आते हैं, आज तो बस आराम करना है। देखते हैं क्या है बाहर। रात हो गई है, पूरे बादल छाए हुए हैं। चलो बाहर चलो। शिखर, आर यू रेडी? तो जा रहे हैं हम लोग भी, थोड़ा सा देख के आते हैं क्या क्या चीज़ें हैं बाहर, ऐसे ही थोड़ा बहुत घूमने के लिए। और आप देख सकते हैं ये कोहरा छा रहा है इधर से, देखिए पूरा ऐसे आते हुए दिख रहा है कोहरा, पूरा भरता जा रहा है इधर स्काइलाइन टावर के पास भी।
ऐसा दिखाते। ये होटल है, ये बीच में बना हुआ है इधर से इधर कनेक्ट करने के लिए। और देखिए कैसे धुएं में कोहरा है, ये पूरा जो पूरी तरफ छाता जा रहा है, भरता जा रहा है। और इधर हमारा रूम है इस साइड। शिखर चल रहे, व्हाट आर यू डूइंग? वो सामने कसिनो है, देखिए कैसे उस पर भी पूरा कोहरा छाता जा रहा है, छाता जा रहा है। और ये हमारे होटल का रिसेप्शन है, वहाँ भी चलेंगे अभी। और इधर तो आ गए जी विंटर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आप देख सकते हैं कितनी सारी लाइट्स है मेरे पीछे। इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ये मेसमराइजिंग व्यू है, थोड़ा बहुत आप देख लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, मज़ेदार। Niagara Falls, it's over there. Look, look that side. This blue lights, blue, green, and yellow lights. This side, you know, it's the Niagara Falls. Can you find Shikhar? Yeah. इधर Niagara Falls भी है. ये. Do you like this light? Look, it's so beautiful. What? It's ये पूरा जाम लगा हुआ है क्योंकि सारे उधर ही जा रहे हैं। यस डैड, वी आर गोइंग टू डैड। थोड़ा बहुत घूम के आ गए हैं, पूरा पैदल जाना मुश्किल था क्योंकि 8-10 किलोमीटर के अंदर वो लाइटिंग्स, कितनी मिलियन लाइटिंग्स लगी हैं। तो थोड़ा बहुत हम देख लिया, बाकी जाएंगे कल कार से जाएंगे जब भी देख पाएंगे। और Niagara Falls भी दिखाएंगे आपको कल। और जा रही हूँ थोड़ा रिसेप्शन पे कॉफ़ी लेने, थोड़ा थक गए, उतना इतनी चढ़ाई है कि चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो गई थी। तो थोड़ा कॉफ़ी लेने जा रहे हैं, अपने आप को रिफ्रेश करते हैं। और सांता से मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस तो सांता, कितना क्यूट सांता है, क्यूट सांता, क्यूट सांता। सांता भैया और मैं, हम दोनों टेंटन है। एक और क्रिसमस ट्री आपको दिखा दी, इतना ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री। क्रिसमस क्रिसमस मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। एंड स्लीपिंग जिकर, एक और सांता भैया यहाँ बैठे हैं। Hello Santa bhaiya. Hello. How are you? Hello Shikhar, you want to say Merry Christmas to this Merry Santa? Christmas. Yes. ये कॉफी बनाने की सामग्री सारी, रेगुलर कॉफी, हॉट वाटर एंड डीकैफ कॉफी। सो लेट मी मेक रेगुलर कॉफी, कॉफी एंड प्रेस हियर। शिट, how will it press? रुको,
गर्मा गर्म कॉफ़ी ले लिए अच्छी खासी नाइस वॉक के बाद, अब शिखर को जाना है रूम पे। चलो चलते शिखर। कोहरा पूरा बढ़ता ही जा रहा है, देखिए ऊपर की तो पार्ट दिख ही नहीं रहा बिल्डिंग का। स्काईलाइन टावर तो दिखना ही बंद हो गया, ऊपर से क्या नज़ारा दिखेगा। चलो लेट्स गो टू द रूम शिखर कॉफी के साथ। यस दिस इज योर कार। सबसे अच्छा बात तो ये होता है कि रूम के सामने ही पार्किंग है, और ये पूरा एरिया होटल का है, तो अभी रात के 9 बज रहे हैं तो आराम से घूम सकते हैं। और सबसे और उससे भी अच्छी बात ये है कि ठंड नहीं है बिल्कुल, मतलब दिसंबर ख़त्म हो रहा है और ठंड नहीं है, वरना यहाँ तो बाहर निकलते ही बर्फ़ जम जाती है अपने ऊपर, इतनी ठंड हो जाती है। पिछली बार शायद उस या उससे पहले हम लोग आए थे तो इसी टाइम बहुत ज़्यादा ठंड थी। और ये पीछे स्काईलाइन टावर तो दिख भी नहीं रहा, इतना कोहरा हो गया है। अभी फायरवर्क्स हुए हैं तो पूरी पटाखे बारूद की स्मेल पूरी आ रही है, लेकिन कोहरा भी बहुत ज़्यादा है। और ये शिखर है, इसको नींद नहीं आ रही इसलिए थोड़ा बाहर घूमने आए हैं। अभी भी पूरा जाम लगा हुआ है, देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं क्योंकि सब विंटर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स देखने जा रहे हैं नायगरा पे। लाइन पे लाइन गाड़ियाँ लगी हुई हैं, रात के 9 बज रहे हैं। जस्ट लेट्स सी द डेकोरेशन एंड देन वी विल गो बैक। ओके यस वी विल गो टू दैट शिखर, डोंट वरी। Look at the beautiful celebration, beautiful decoration शिखर, हर जगह सजा हुआ है, इतना बढ़िया लग रहा है देख के। सजावट हर जगह, look it's a TV, it's a big TV शिखर, you like it? Do you like it शिखर? हर जगह सजावट से भरपूर है, पूरा पूरा फेस्टिवल वाला माहौल है। और इधर देखिए गाड़ियों की लाइन लगी पड़ी और गाड़ियाँ एकदम चीटी की रफ्तार से चल रही हैं। What? The Pale Sanjay's bus. What are you saying? Pale Transit bus. Transit bus. Yeah. Oh, here transit bus. Look at the bus. It's a transit bus. Transit bus sticker? Which bus? Articulated bus. Articulated bus. Yes. Tell me which bus? It's a आर्टिकुलेटेड बस, ये तो मुझे पता भी नहीं था इस बात को आर्टिकुलेटेड बस कहते हैं, शिखर से पता चला। कितनी ऊंची बिल्डिंग है ये, कितनी ऊंची बिल्डिंग है बाप रे। जरा सा भी नहीं लग रहा कि रात के 9 बज रहे हैं, इतनी चहल पहल, इतने लोग हैं यहाँ पे, मज़ा आ गया। इसे कहते हैं फेस्टिव वाइब। इस कार में पंजाबी गाने बज रहे हैं, यहाँ तो इतने इंडियंस आए हुए हैं, हर जगह मुझे हिंदी ही सुनाई दे रही है। तो रूम पे आ गई हूँ और शिखर के खाने बन रहा है, दूध और सूजी ये इसमें बना रही हूँ। ये सारा इंतज़ाम मैं ले करके आई थी, वरना बहुत मुश्किल हो जाता खाना खिलाना, क्योंकि शिखर बिल्कुल भी बाहर से नहीं खाता है और थोड़ा थोड़ा मैं भी नहीं खाती हूँ, इसीलिए ये पूरा इंतज़ाम लेके चलना पड़ता है। ये कुकर है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इलेक्ट्रिक कुकर, और एक ये बहुत बढ़िया चीज़ है, तो इससे आप कहीं पर भी खाना बना सकते हैं। पूरी बैंड बज गई है, सुबह से थक गए और इसको शिखर को खाने खिला के अब थोड़ा सा चेंज करके आराम करूँगी।